कोविड इन्फेक्शन को रोकने के लिए मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है, जिसका पालन कराने के लिए पुलिस चेकिंग कर रही है। लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो पुलिस को ही चुनौती दे रहे हैं। मामला कुशीनगर का है, जहां मास्क चेकिंग के दौरान एक युवक द्वारा दरोगा को तमाचा मार दिया गया। पटरहवा थाने के फाजिल नगर कस्बे में चौकी इंचार्ज अपनी गाड़ी में बैठकर मास्क चेकिंग करने के साथ ही लोगों को मास्क पहनने के लिए जागरूक कर रहे थे। इस बीच बिना मास्क के एक युवक बाजार में घूम रहा था, जिसे चौकी इंचार्ज ने बुलाकर मास्क लगाने के बारे में पूछा तो उसने उल्टा जवाब दिया, जिसके बाद चौकी इंचार्ज ने उसे धीरे से थप्पड़ मारकर आगे से मास्क पहनकर घर से निकलने की चेतावनी दी, जिसके बाद युवक ने भी दरोगा को तमाचा मार दिया और बिजली की फुर्ती से फरार हो गया। पुलिस के जवानों ने युवक का पीछा किया, लेकिन वे उसे पकड़ नहीं पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, नमामि भारत।